सीधे ग्वालियर चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती पर ग्वालियर में 17,000 करोड़ के विकास कार्यों और लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात। जनजाति ही मुख्य धारा में आया, द्वार तक उसके राशन पहुंचाया, सर पे छत और पेट भरा हो, मजदूरों को संबल दिलवाया, किसान का सम्मान बढ़ाया, खेतों तक पानी पहुंचाया, सर से ब्याज का बोझ हटाया, सस्ता खाद पानी दिलवाया। भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इंकलाब की बोली से, एक पृष्ठ तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का। जोरदार तालियों से स्वागत करें, ऊपर हाथ करके माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आपके बीच पधार रहे हैं। भारत माता की, एक साथ आवाज से भारत माता की। मोदी के मन में मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। हाथ हिलाकर जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। बूढ़ पुरन को तीर्थ कराया, महाकाल का धाम बनाया, भोले बाबा के मन भाया, मोदी जैसा भक्त है आया। अरे तभी तो कह रहा हूँ भैया, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी। दुनिया की पूरी परिधि में संवेद स्वरों में गर्जन है, पाताल व्योम के क्षितिजों में भारत का जय जय वर्धन है, मन भाव विहल हो जन जन का जिस जगह तिरंगा लहराए, श्रद्धा से नयन तरल होवे, हर शीश नमन से झुक जाए, हर शीश नमन से झुक जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आपके बीच में है, विश्वास नहीं हो रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आशीर्वाद देने पधारे हैं। संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, संकल्पों के साहस हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो, मुकुट तुम ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो, महावीर हो, बुद्ध तुम ही हो, पंच तत्व के ज्ञाता हो, उठो विवेकानंद तुम ही तो भारत के निर्माता हो, उठो विवेकानंद तुम ही तो भारत के निर्माता हो। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। बहुत सुखी है, उज्ज्वला पे बने रोटी है, लाडली बहना स्कीम चली है, आत्मनिर्भर नारी भई है, हो जन जन का उत्थान करे जो, बात बस उसकी होगी। प्रधानमंत्री जी, आज भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, देख रही है दुनिया तुम में उजियारे विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। बहुत बहुत स्वागत।
हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनसे कह दो सूरत कारत जुगनू रोक नहीं पाते, उनसे कह दो सूरज कारत जुगनू रोक नहीं पाते, तूफानों के तीखे तेवर तिनके टोक नहीं पाते। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। युवा को मिले शिक्षा। चलिए एक बार फिर से ग्वालियर पहुंचेंगे जहां पीएम नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे हैं। ग्वालियर से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। ग्वालियर से ही वो मध्य प्रदेश के लिए कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अगर इनमें से कुछ परियोजनाओं की बात हम करें तो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, ये करीब करीब 11,895 करोड़ रुपए की लागत से है, ये प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही 1,880 करोड़ रुपए से भी अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। और एक और खास बात है कि इसी अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनने हुए 2,20,000 से भी अधिक घरों का गृह प्रवेश प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। और 140 करोड़ रुपए की लागत से पीएमएवाई शहरी, ग्रामीण तो है ही लेकिन साथ में शहरी भी है, उसके तहत निर्मित घरों का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उसी के लिए प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे हैं और जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोगों में बेहद उत्साह प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर और प्रधानमंत्री का अभिवादन करके लोग बहुत उत्साहित हैं। साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं प्रधानमंत्री के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री बार बार लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का प्रत्युत्तर देते हुए प्रधानमंत्री एक खुली गाड़ी में सवार हैं जहां से कि वो सभी को देख पा रहे हैं। और सभी लोग उपस्थित जनसमुदाय जो भारी भीड़ है इस रोड शो में, वो भी प्रधानमंत्री को देख पा रही है और उनका अभिवादन कर पा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। 19,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास निश्चित तौर पर एक बड़ा तोहफा कहा जाएगा मध्य प्रदेश के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम है उसमें कुछ और प्रोग्राम जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से जुड़ा हुआ है और अन्य सुविधाओं से जुड़ी विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मध्य प्रदेश का दौरा, प्रधानमंत्री कल तेलंगाना के दौरे पर थे और आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। तो राजस्थान का दौरा वो पूरा कर चुके हैं, वहां पर करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके शुभारंभ कर चुके हैं। और चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से उन्होंने इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। और उसके बाद राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं ग्वालियर, जहां पर कि उनके रोड शो में लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है और उसी की झलक आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से लोग हाथ ऊपर उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाते हैं, उनसे उनका अभिवादन अपने हाथ को उठाकर करने की कोशिश करते हैं। और ये वो स्थली है जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है और जहां से वो परियोजनाओं को नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे ग्वालियर का रुख करेंगे जहां पीएम नरेंद्र मोदी ग्वालियर को संबोधित कर रहे हैं। एक
19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। और मैं देख रहा था कि एक के बाद एक लोकार्पण की या शिलान्यास के कर्टेन खुल रहे थे। इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है और लोग ताली बजाते थक जाते हैं, इतने काम करने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे परिवारजनों, दशहरे, धनतेरस और दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के करीब 2.25 लाख परिवार आज अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। आज कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का यहां शुभारंभ हुआ है। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण का विस्तार करेंगे। यहां के युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार, उसके लिए निर्माण होने वाले हैं, नए अवसर बनने वाले हैं। आज आईआईटी इंदौर में भी बहुत काम नए शुरू हुए हैं। आज ग्वालियर के साथ साथ विदिशा, बैतूल, कटनी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, दमोह और शाहजहांपुर को नए स्वास्थ्य केंद्र भी मिले हैं। ये केंद्र आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बने। इनमें गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा है। मैं इन सभी के लिए आप सबको, मध्य प्रदेश के मेरे परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये जो इतने सारे काम है, ये डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है। जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली जनता जनार्दन को समर्पित सरकार होती है, तब ऐसे काम और तेज गति से होते हैं। इसलिए आज मध्य प्रदेश का भरोसा डबल इंजन सरकार पर है। डबल इंजन यानी एमपी का डबल विकास। मेरे परिवारजनों, बीते वर्षों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से अब हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। एमपी टॉप 3 में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एमपी का स्थान टॉप 3 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बड़े गर्व के साथ 3 तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? ये काम कौन कर सकता है?
ये काम कौन कर सकता है, ये काम कौन कर सकता है, ये काम कौन कर सकता है, ये गारंटी कौन दे सकता है, ये गारंटी कौन दे सकता है? आपका जवाब गलत है। ये गारंटी एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपका एक वोट मध्य प्रदेश को नंबर 3 पर ले जा सकता है जी। डबल इंजन को दिया आपका हर वोट एमपी को टॉप 3 में पहुंचाएगा। मेरे परिवारजनों, एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है ना विकास का रोड मैप है। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत, भारत की योजनाओं से नफरत, अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। आज आप देखिए, पूरी दुनिया भारत का गौरवगान कर रही है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया को भारत में अपना भविष्य दिखता है। लेकिन जो राजनीति में उलझे हुए हैं, कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते, उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना भी अच्छा नहीं लगता है। भारत, सोचिए दोस्तों, 9 वर्षों में 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। मोदी ने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। इससे भी सत्ता भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मेरे परिवारजनों, विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था? उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरवगान करते थे, आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। इसलिए उनको देश का गौरवगान पसंद नहीं आता। मेरे परिवारजनों,
मोदी ने गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को पक्के घर की गारंटी दी है। अभी तक इसके तहत देश में 4 करोड़ परिवारों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं। यहां एमपी में भी अभी तक लाखों घर गरीब परिवारों को दिए जा चुके हैं और आज भी इतनी बड़ी मात्रा में घरों का लोकार्पण किया गया है। जब इन लोगों की सरकार दिल्ली में थी तब गरीबों के घर के नाम पर भी सिर्फ लूट होती थी। ये लोग जो घर बनवाते थे वो रहने लायक भी नहीं होते थे। देश भर में ऐसे लाखों लाभार्थी थे जिन्होंने कभी उन घरों में पैर तक नहीं रखा, लेकिन आज जो घर बन रहे हैं उनमें खुशी खुशी गृह प्रवेश हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये घर हर लाभार्थी बहन भाई खुद अपने हिसाब से बना रहा है, अपने सपनों के अनुरूप, अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना घर बना रहा है। हमारी सरकार जैसे जैसे काम होता जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉनिटर होता है और तुरंत उसके खाते में सीधे पैसे भेज देती है। कोई चोरी नहीं होती है, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं और उसका घर बनना हो आगे बढ़ जाता है। पहले घर के नाम सिर्फ 4 दीवारें खड़ी होती थी। आज जो घर मिल रहे हैं इनमें टॉयलेट, बिजली, नल से जल, उज्ज्वला की गैस, सब कुछ एक साथ मिलता है। आज यहां ग्वालियर और श्योपुर जिले के लिए अहम जल परियोजनाओं का भी काम शुरू हुआ है। ये भी इन घरों में पानी की सप्लाई में मदद करेगी। साथियों, इन घरों की लक्ष्मी यानी मेरी माताएं बहनें घर की मालिक हो ये भी मोदी ने सुनिश्चित किया है। आपको पता है ना कि पीएम आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है। पीएम आवास योजना के घरों से करोड़ों बहनें लखपति हुई है। जिनके नाम कोई संपत्ति नहीं थी उनके नाम पर लाखों के घर रजिस्टर हुए हैं। आज भी जो घर मिले हैं उनमें से ज्यादातर घरों की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर है। और भाइयों बहनों, मोदी ने अपनी गारंटी पूरी की है। मैं एक गारंटी आप बहनों से भी चाहता हूं। मैं जरा बहनों से पूछना चाहता हूं, मैंने तो मेरी गारंटी पूरी की, आप एक गारंटी देगी? आप मुझे गारंटी देगी? पक्का देगी? तो मुझे गारंटी चाहिए घर मिलने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, कोई ना कोई कौशल सिखाना है, करोगे? आपकी इस गारंटी मुझे काम करने की ताकत देती है। मेरे परिवारजनों, नारी सशक्तिकरण भारत के लिए वोट बैंक का नहीं बल्कि राष्ट्र कल्याण का, राष्ट्र निर्माण का एक समर्पित मिशन है। हमने देखा है कि पहले अनेक सरकारें आई गई, हमारी बहनों को लोकसभा और संसद में 33% आरक्षण के झूठे वादे करके बार बार वोट मांगे गए, लेकिन संसद में साजिश करके कानून बनाने से रोका गया, बार बार रोका गया। लेकिन मोदी ने बहनों को गारंटी दी थी और मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। आज नारी शक्ति मंदिर अधिनियम एक सच्चाई बन चुका है।
मैं इस सभा में और आगे के लिए भी मैं चाहूंगा अपनी कि विकास की गाथा में हमारी मातृशक्ति की भागीदारी और ज्यादा बढ़े और प्रगति का रास्ता खुले, उसी दिशा में हमने आगे जाना है। भाइयों बहनों, आज विकास की जितनी परियोजनाएं हमने लागू की है वो सारी हमें ये कानून पास होने से ताकत मिलने वाली है। मेरे परिवारजनों, ग्वालियर चंबल आज अवसरों की भूमि बन रहा है, लेकिन हमेशा स्थिति ऐसी नहीं थी। जो कई कई दशकों तक सरकार में रहे उसके नेता आज यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जो हमारे युवा साथी हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने तो अपने पूरे जीवन में सिर्फ भाजपा का सरकार ही देखी है। उन्होंने तो एक प्रगतिशील मध्य प्रदेश देखा है। विरोधी दलों के जो ये बड़बोले नेता है, इनको कई दशकों तक मध्य प्रदेश में शासन का मौका मिला था। उनके शासन काल में ग्वालियर चंबल में अन्याय और अत्याचार ही फला फूला। उनके शासन में सामाजिक न्याय हाशिए पर था। तब कमजोर की, दलित और पिछड़े की सुनवाई नहीं होती थी। लोग कानून अपने हाथ में लेते थे। सामान्य जन का सड़क पर आना जाना मुश्किल हो गया था। बहुत परिश्रम कर हमारी सरकार इस क्षेत्र को आज की स्थिति तक पहुंचा पाई है। अब यहां से हमें पीछे नहीं देखना है। मध्य प्रदेश के लिए अगले 5 साल बहुत अहम है। आज देखिए, ग्वालियर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, यहां 1000 बेड का नया अस्पताल बना है, नया बस अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए स्कूल कॉलेज, एक के बाद एक पूरे ग्वालियर की तस्वीर बदल रही है। ऐसे ही हमें पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलनी है और इसलिए आने वाली इंजीनियर की सरकार जरूरी है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जीवन सुगम तो होता ही है, ये समृद्धि का भी रास्ता है। आज ही जावा, मंदसौर और रतलाम को जोड़ने वाले 8 लेन के एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण हुआ है। पिछली शताब्दी का मध्य प्रदेश 2 लेन की अच्छी सड़कों के लिए भी तरसता था। अब आज एमपी में 8 लेन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। इंदौर, देवास और हरदा को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क पर भी आज काम शुरू हुआ है। रेलवे के ग्वालियर से सुमावली सेक्शन को ब्रॉडगेज में बदलने का काम भी पूरा कर लिया गया है। अभी इस बार पहली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई गई है। कनेक्टिविटी के इन सभी कार्यों से क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी कानून व्यवस्था से किसान हो या फिर उद्योग, व्यापार, कारोबार, सब फलते फूलते हैं। जहां विकास विरोधियों की सरकार आती है, वहीं दोनों सिस्टम चरमरा जाते हैं। आप राजस्थान में देखिए, सरेआम गले काटे जाते हैं और वहां की सरकार देखती रहती है। ये विकास विरोधी लोग जहां जाते हैं वहां तुष्टिकरण भी आता है। इससे गुंडे, अपराधी, दंगाई और भ्रष्टाचारी बेलगाम हो जाते हैं। महिलाओं पर, दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते हैं। बीते सालों में इन विकास विरोधियों के राज्यों में क्राइम और करप्शन सबसे अधिक बढ़ा है। मध्य प्रदेश को इसलिए लोगों से बहुत सावधान रहना है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने के लिए समर्पित है। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है, मोदी पूजता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 2014 से पहले किसी ने दिव्यांग शब्द सुना था? जो शारीरिक रूप से किसी चुनौती से गिरे रहते थे, उन्हें पहलों की सरकारों द्वारा ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया गया था। ये हमारी सरकार है जिसने दिव्यांगजनों की चिंता की, उनके लिए आधुनिक उपकरण मुहैया कराए, उनके लिए कॉमन साइन लैंग्वेज विकसित करवाई। आज यहां ग्वालियर में दिव्यांग साथियों के लिए नए स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इससे देश में एक बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में ग्वालियर की पहचान और सशक्त होगी। और साथियों, मेरी बात पे विश्वास करना,
दुनिया के अंदर खेल की चर्चा होगी, दिव्यांग जनों के खेल की चर्चा होगी, ग्वालियर का नाम रोशन होने वाला है, लिख लीजिए। और इसलिए मैं कहता हूं, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है, उनको मोदी पूजता है। इतने सालों तक देश के छोटे किसानों को किसी ने नहीं पूछा, इन छोटे किसानों को मोदी ने पूछा, उनकी चिंता की। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर छोटे किसान के खाते में अब तक 28,000 रुपये हमारी सरकार ने भेजे हैं। हमारे देश में 2.5 करोड़ छोटे किसान ऐसे हैं जो मोटा अनाज उगाते हैं। मोटा अनाज उगाने वाले छोटे किसानों की भी पहले किसी ने चिंता नहीं की। ये हमारी सरकार है जिसने मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी है, उसे दुनिया भर के बाजारों में ले जा रही है। साथियों, हमारी सरकार की इसी भावना का एक और बड़ा प्रमाण पीएम विश्वकर्मा योजना है। हमारे कुमार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुतार भाई बहन, सुनार भाई बहन, मालाकार भाई बहन, दर्जी भाई बहन, धोबी भाई बहन, जूते बनाने वाले भाई बहन, बाल काटने वाले भाई बहन, ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए अनेक साथी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे। इनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव। इनकी सूद आजादी के इतने दशकों बाद हमारी सरकार ने ली। ये साथी समाज में पीछे रह गए थे, अब इनको आगे लाने का बहुत बड़ा अभियान मोदी ने चलाया है। इन साथियों को ट्रेनिंग देने के लिए 1,000 रुपये सरकार देगी। आधुनिक 15,000 भी इन साथियों को दिया जा रहा है। विश्वकर्मा साथियों को ऋण की गारंटी मोदी ने ली है, केंद्र सरकार ने ली है। मेरे परिवारजनों, देश के विकास विरोधी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश को पीछे ले जाने की इच्छा रखते हैं, जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार भविष्य की सोच रखती है। इसलिए विकास का भरोसा सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन सरकार पर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश को विकास के पैमाने पर देश में टॉप के राज्यों में लाने की गारंटी सिर्फ हमारी सरकार दे सकती है। मैं अभी शिवराज जी बता रहे थे कि स्वच्छता में मध्य प्रदेश देश में नंबर एक है। आज गांधी जयंती है, गांधी जी स्वच्छता की बात करते थे, कल पूरे देश में स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ। एक भी कांग्रेसी को आपने स्वच्छता करके देखा क्या? स्वच्छता करने के लिए अपील करते देखा क्या? क्या मध्य प्रदेश का स्वच्छता में नाम नंबर एक हुआ है? ये भी कांग्रेस वालों को पसंद नहीं है, वो मध्य प्रदेश का क्या भला करेंगे भैया? ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं क्या? और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं भाई बहनों, विकास की इस रफ्तार को आगे बढ़ाना है, बहुत तेजी से बढ़ाना है। और आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए, मैं ग्वालियर चंबल के आप साथियों को इतनी बड़ी संख्या में यहां आशीर्वाद देने के लिए पधारने पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इस क्षेत्र और मध्य प्रदेश को प्रगति का अक्षय प्रकाश देने के लिए बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का ऊपर हाथ करके तालियां बजाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, आभार व्यक्त करें। तो सीधी तस्वीर दिखा रहे थे ग्वालियर से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ग्वालियर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि मध्य प्रदेश को पीएम नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी, और जनसंबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इसी के साथ बुलेटिन इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।